हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की टॉपिक है ये जो आपके सामने दिख रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में टेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर, ब्लू लाइन, अंडरलाइन और पता नहीं क्या क्या है। ये यूजुअली जब आप इंटरनेट से कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में तो ये आता है, या कहीं और दूसरे फाइल से कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट चेंज होता है। तो इसको कैसे क्लियर करें? अगर आप वन बाई वन करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो वन बाई वन अपने को खेलना नहीं है, अपने को एक साथ उड़ा देना है, ठीक है? तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए जिससे कि ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। प्रेस कंट्रोल ए तो ऑल सेलेक्ट हो गया है। अब सिंपली होम में जाइए और यहाँ पे स्टाइल में एक्सटेंड कीजिए इस चीज़ को और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कीजिए। मैं जूम आउट करके बताता हूँ, ठीक है? होम पहले सेलेक्ट ऑल, उसके बाद होम और यहाँ फॉन्ट्स क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है? अब मैक्सिमम हर चीज़ हट गई है लेकिन बैकग्राउंड नहीं गया है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड नहीं गया है तो फिर से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और होम में आप यहाँ देखेंगे ये कलर ऑप्शन, इसको आपको लेना है नो कलर, ठीक है? तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल ए सेलेक्ट और नो कलर। अब तकरीबन कलर जा चुका है लेकिन फिर भी ये अंडरलाइन और ब्लू लाइन आ रही है। तो इसको सिंपल से फिर एक कंट्रोल ऑल एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट F9 एंड बूम, दैट्स इट। अब आप देखिए कंट्रोल शिफ्ट F9 आप प्रेस करेंगे तो ये हर चीज़ चली जाएगी, जो भी आपका अंडरलाइन है या ब्लू कलर है। सो लास्ट में आप सेलेक्ट आर करके कंट्रोल शिफ्ट F9, डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट की, कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस कीजिए तो आपका पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। तो होप है, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक